शुक्रवार रात से हो रही बारिश के कारण किसानों के खेतों में पड़ी सोयाबीन की फसल खराब होने लगी है। सावेर तहसील के चंद्रावंती गज पोर्टो चित्तौड़ा शिवपुरा खेड़ा खामोद अंजना के साथ ही अन्य गांव के किसानों ने अपनी सोयाबीन की फसल काट कर खेतों में पटक दी थी। अचानक हुई बारिश के कारण किसानों की कटी फसल में अंकुर फूटने लगे। बारिश को देखते हुए शासन द्वारा किसानों को खेत के सर्वे के लिए पटवारी को खेतों पर भेजा। पटवारी द्वारा किसानों के खेतों पर पहुंचकर सोयाबीन की फसल का सर्वे किया गया। पटवारी महेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि किसानों के खेतों पर सोयाबीन को देखा। जिन किसानों के खेतों में सोयाबीन कटी हुई पड़ी थी उनमें से कुछ में सोयाबीन में अंकुर फूट चुके थे। सर्वे करने पर किसानों की सोयाबीन में अनुमानित 10% का नुकसान पाया गया है। अगर बारिश बंद नहीं होती है तो किसानों का और ज्यादा नुकसान हो सकता है। सर्वे के आधार पर जिन किसानों की सोयाबीन की फसल का 10% नुकसान हुआ उनका पंचनामा बनाकर शासन को अवगत करा दिया गया है। चंद्रावंतीगंज से संतोष व्यास के साथ जितेंद्र कुमावत की रिपोर्ट। किस आधार पे काय के लिए क्या करा? हमने ये अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसमें सोयाबीन फसल का सर्वे के लिए हम यहाँ पे जीतू कुमार जी के इस पे खेत पे आए हैं और देखा है कि जो सूखी और कटी हुई सोयाबीन की फसल है वो उग रही है, उसमें अंकुरण हो गए हैं और उसका दाना भी उसका कलर छोड़ रहा है। कितना परसेंट नुकसान हुआ अभी तक? 10% तो नुकसान अभी दिख ही रहा है और उसके बाद ये बरसात निकलने के बाद मालूम पड़ेगा कितना और नुकसान है। यानी सोयाबीन ने अंकुरण छोड़ना चालू कर दिया? हाँ, सोयाबीन अंकुरण छोड़ना चालू, दाना छोटा रह गया। यानी इस प्रकार से किसानों को नुकसान है? अभी किसानों को अभी अभी बहुत नुकसान है।